मौज मस्ती चाहिए, शिव तीर्थ आइए। मध्य भारत का एकमात्र बेस्ट पिकनिक स्पॉट, जहां मिलेगा वाटर पार्क के साथ बोटिंग, एडवेंचर, पिकनिक, शादी और नाइट कैंपिंग इत्यादि। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, शिव तीर्थ मन पसंद। शिव तीर्थ उमरी डैम सामने नागपुर, भूल ना जाना शिव तीर्थ आना। नागपुर महानगर पालिका हमेशा से ही विवादों में रही है, कभी पीने का पानी तो कभी स्वच्छता तो कभी सीवर लाइन, मगर इस बार मनपा के अतिक्रमण विभाग ने इस श्रृंखला में अपना नाम दर्ज किया है। 28 साल की पीड़िता ने न्याय के लिए मनपा मुख्य कार्यालय के सामने खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया। फिलहाल मनपा ने घटना पर जांच की बात की है। नागपुर महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग इन दिनों बड़े ही गर्मजोशी के साथ शहर में काम करता दिखाई दे रहा है। यह कार्रवाई 29 साल की महिला के जान पर बनाई है। दरअसल यह महिला नंदनवन परिसर में अपनी छोटी बच्चियों के साथ मिलकर अंडा भुर्जी का ठेला लगाती है और उसी पर अपने बच्चियों का और खुद का पेट पालती है। मगर मनपा के अतिक्रमण विभाग ने बीती दिनों महिला के ठेले पर कार्रवाई की है और पूरा सामान जब्त किया। महिला ने आरोप लगाया है कि जब वह महिला अपना सामान छुड़ाने मनपा के कार्यालय गई, तो अधिकारियों ने कुछ सामान लौटाकर बाकी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला ने यह कदम उठाया है। इस मामले पर नागपुर महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी से बात करने पर उन्होंने जांच की बात कही है। नहीं, नुकतीच अशी काही घटना घडल्याचं मला समजलेलं आहे, तर त्याचे डिटेल्स जे आहेत, सर्वप्रथम आम्ही ती महिला ज्या आहेत त्यांना या अशा घटनेपासून परावृत्त करून त्यांना पुढच्या ट्रीटमेंटसाठी पाठवलेलं आहे मेडिकलमध्ये, आणि याचे जे डिटेल्स आहेत ते आम्ही संबंधित विभागाकडनं घेतो आहोत। एकदा डिटेल्स मिळाल्यानंतर त्याच्यानंतर उचित जी आहे ती कारवाई करू आम्ही। नाही, तेच ना, सगळे डिटेल्स मी जसं सांगितलं, एकदा डिटेल्स मला सगळे घेतो मी आणि तिच्यामध्ये जे काही फाइंडिंग्स निघतात आहे त्याच्यानुसार उचित कारवाई जी आहे ती कॉर्पोरेशनमार्फत केली जाईल। माझं उत्तर आपल्याला मी अगोदरही सांगितलेलं आहे की मी पूर्ण डिटेल्स घेतो आणि तिच्यामध्ये जर कोणाची काही चूक आहे किंवा काय असेल तर त्याच्यानुसार उचित कारवाई ही केली जाईल। तर एकदा संपूर्ण घटनेचे आम्हाला डिटेल्स लक्षात आले की त्याच्यानंतर आम्ही कॉर्पोरेशन उचित कारवाई करेल। आता लगेच ही घटना आता नुकतीच घडल्याचं मलाही समजलेलं आहे, तर त्याची माहिती घेऊन आम्ही एक आठवड्याभराच्या आत आवश्यक ती कारवाई करू। मनपा की जांच में चाहे जो भी सामने आए, मगर गौर करने वाली बात यह है कि परिस्थिति की कठिनाइयों से लड़ने वाली इस महिला को क्या मनपा प्रशासन न्याय दे पाएगी। ये घटना मनपा के कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है, जो विश्वास दिलाता है कि हम संविधान के कल्याणकारी नीति की निर्मिति करेंगे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंखलवार, BCN न्यूज नागपुर।